नमस्कार, आज की वीडियो में हम देखेंगे आइशर 2059 XP। इस ट्रक को इस गाड़ी के पहले वॉकराउंड से शुरू करते हैं। तो फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक इस गाड़ी का काफ़ी शानदार बनाया गया है। यहाँ पर आपको इस गाड़ी में ड्यूअल चैम्बर हैलोजन बेस्ड हेडलाइट मिलते हैं, जिसमें एक DRL की स्ट्रिप भी आपको मिल जाती है इंडिकेटर के साथ, और यहाँ पर नीचे एक फॉग लैंप भी दिया गया है। और फ्रंट बम्पर भी काफ़ी शानदार गाड़ी का बनाया गया है। यहाँ पर फ्रंट साइड में आइशर की बैचिंग है और लोगो भी दिया गया है। इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग आइशर के पीतमपुर फैसिलिटी में होती है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये गाड़ी वहाँ से ही चल के आई है। गाड़ी के फ्रंट विंडस्क्रीन के नीचे प्रो 2059 XP की बैचिंग दी गई है, और यहाँ पर यूटेक्सिस का स्टिकर लगा हुआ है, और आइशर की बैचिंग फ्रंट साइड में है। गाड़ी के कैबिन पर एक मिरर लगा हुआ है, जिसकी मदद से गाड़ी के फ्रंट साइड में देखा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर फ्रंट साइड में लैमिनेटेड विंडस्क्रीन मिलती है आपको, जिस पर दो वाइपर्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में आपको और एडिशनल मिरर्स भी दिए गए हैं। लेफ्ट साइड डोर पर भी आपको एक एडिशनल मिरर दिया गया है, जिसकी मदद से आप इस साइड में देख सकते हैं। और इसके अलावा कैबिन सेक्शन के टॉप साइड पर हाइट मार्कर लैंप भी दिए गए हैं, जो गाड़ी के हाइट को दर्शाते हैं। यहाँ पर मेन मिरर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर आइशर की स्टिकरिंग है। इस गाड़ी के टायर सेक्शन की बात कर लें तो इस गाड़ी में आपको 8.25-16 सेक्शन के टायर मिलते हैं, और गाड़ी के रिम पर 5 बोल्ट दिए गए हैं। और इसके अलावा अपर सेक्शन में आपको गाड़ी की टेक्नोलॉजी यानी एम बूस्टर की बैचिंग मिल जाती है, और उसी के नीचे आपको गाड़ी में साइड इंडिकेटर मिलता है। और यहाँ पर गाड़ी की लोडिंग एरिया की बात करें तो लोडिंग एरिया इस प्रकार दिखता है गाड़ी का। इस गाड़ी में आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 12 फीट, 14 फीट और 16 फीट। गाड़ी के कैबिन सेक्शन के पीछे इस गाड़ी की बैटरी दी गई है, इसमें आपको 12 वोल्ट सपोर्ट मिलता है बैटरी कट ऑफ के साथ। और इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक फ्लूइड का रिजर्वायर है, और इसके ऊपर कूलेंट का रिजर्वायर दिया गया है। और यहाँ पर कैबिन लिफ्टिंग मैकेनिज्म आपको मिलता है, जिसकी मदद से मेंटेनेंस आसान होता है। और इस गाड़ी की एडब्लू टैंक यहाँ पर दी गई है, बैटरी एडब्लू टैंक और फ्यूल टैंक पास पास ही लगाए गए हैं, आसानी हो सके। और यहाँ पर आपको 100 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो पॉलीमर बेस्ड है, जिसकी मदद से गाड़ी में रस्टिंग वगैरह कोई चांस नहीं होता। और यहाँ पर एक और यहाँ पर दो ऐसे दो नाइट रनिंग लैंप यानी साइड इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, इसकी मदद से गाड़ी रात में दिख जाती है। और रियर सेक्शन में देख सकते हैं, गाड़ी में आपको लिफ्ट स्विंग सस्पेंशन ही मिलता है, क्योंकि ये ट्रक है, और देख सकते हैं गाड़ी की लिफ्ट स्विंग काफ़ी शानदार बनाई गई है। और यहाँ पर मड फ्लैप्स भी दिए गए हैं, यहाँ पर स्पेयर व्हील। चलिए अब देखते हैं गाड़ी के रियर सेक्शन को। रियर सेक्शन में आइशर की बड़ी सी बैचिंग दिख जाती है, यहाँ पर रेड रिफ्लेक्टर टेप है, और यहाँ पर आपको इस गाड़ी में फुल्ली LED बेस्ड टेल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको टेल लैंप्स में इंडिकेटर, ब्रेक लैंप, रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर इंडिकेटर मिलता है। और यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन और यहाँ पर चार, ऐसे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और यहाँ पर चेसिस पर आइशर की प्लेट लगी हुई है, और यहाँ पर स्पेयर व्हील, और यहाँ पर एक्स्ट्रा रियर बम्पर गार्ड दिया गया है, जिसकी मदद से गाड़ी को प्रोटेक्शन मिलता है। इसी के साथ साथ गाड़ी का लोडिंग एरिया देख सकते हैं, काफ़ी शानदार लोडिंग एरिया आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। और अपर साइड में आपको 2 हाइट मार्कर लैंप्स भी दिए गए हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, जिसकी मदद से गाड़ी की रात में हाइट दिख जाती है। गाड़ी के ड्राइवर सेक्शन की बात करें तो ड्राइवर साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक NRL लगा हुआ है, यहाँ पर एयर व्हील है गाड़ी का, और यहाँ पर एयर प्रेशर टैंक दिया गया है, और यहाँ पर आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम गाड़ी में लगा हुआ है, यह BS6 गाड़ियों में आता है। और यहाँ पर एग्जॉस्ट देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट है गाड़ी का। इसके अलावा साइड गार्ड भी मिल जाता है, और यहाँ पर एयर फिल्टर का लोकेशन दिया गया है, और अपर साइड में एयर इनटेक आपको मिल जाता है, कैबिन के पीछे ही माउंट किया है। ड्राइवर एरिया में 2 मिरर्स दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं व्यू काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पर आइशर की बैचिंग की गई है, और गाड़ी के डिफरेंशियल एक्सल आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पावर ट्रेन सिस्टम है इस गाड़ी का, और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। और देख सकते हैं गाड़ी में सस्पेंशन सेटअप वगैरह अच्छा है, कैबिन सेक्शन आप देख सकते हैं, कैबिन इस गाड़ी का काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे। इसमें आपको कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, डैशबोर्ड भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, सीट्स की क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। इसमें आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का भी ऑप्शन है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी गाड़ी का काफ़ी ज़बरदस्त है। इस गाड़ी में आपको AC और नॉन AC ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ गाड़ी का वॉकराउंड था, चलिए अब इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं गाड़ी के इंजन को। इस गाड़ी में आइशर मोटर्स का E474 BS6 4 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 120 हॉर्स पावर की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 350 न्यूटन मीटर्स का। इसके अलावा गाड़ी की गियरबॉक्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो स्मार्ट गियर लीवर के साथ आता है। और इसके अलावा इस गाड़ी के ग्रॉस व्हीकल वेट यानी GVW की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 7490 किलोग्राम्स का GVW यानी ग्रॉस व्हीकल वेट मिलता है। इसके अलावा गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें
तो इस गाड़ी में आपको 100 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो पॉलीमर बेस्ड फ्यूल टैंक है, जिसकी मदद से इस गाड़ी के फ्यूल टैंक में रस्टिंग नहीं होती है। इस गाड़ी के ब्रेक्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको एयर ब्रेक्स मिलते हैं, जिसमें फ्रंट और रियर एक्सल पर ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। और गाड़ी के सस्पेंशन की बात करें तो गाड़ी के फ्रंट और रियर एक्सल पर लिस्ट्रीन सस्पेंशन आपको दिया गया है टेलीस्कोपिक शॉक अब्जर्वर के साथ। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इस गाड़ी के ग्रेडेबिलिटी यानी चढ़ाई लगने की क्षमता की बात करें तो ये गाड़ी 28% तक के हिल चढ़ सकती है। और गाड़ी की कीमत की बात कर ले तो इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 14 लाख रुपीज से, यानी 14 लाख रुपए से। और इसमें बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, जैसे कि CBC यानी कैबिन विद चेसिस, FHD यानी फुल साइज डेक, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। और इन सभी मॉडल्स में आपको AC कैबिन और नॉन AC कैबिन का ऑप्शन अवेलेबल है। इस गाड़ी का उपयोग आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पार्सल कुरियर सर्विसेज, FMCG, सीमेंट, फिश, इंडस्ट्रियल गुड्स को कैरी करने के लिए कर सकते हैं। यही था इस गाड़ी के शॉर्ट रिव्यू के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।